आज हमने ये फिल्म ट्रायल जो हम लॉन्च करने जा रहे हैं महेश जी के हाथ से, ये हमारा सौभाग्य है। इसमें पूरी टीम हमारे साथ में है। मैं, मेरी प्रोड्यूसर जिसके बगैर ये फिल्म नहीं बन सकती, ऐसी मेरी बड़ी बहन शबाना जी को आमंत्रित करूंगा। प्लीज आप मंच पर आए। इसी के साथ मैं मेरे पूरे फिल्म के स्टार कास्ट से भी आप लोगों का परिचय कराना चाहूंगा। मैं सारा जी से विनती करूंगा, प्लीज हमारे साथ आए। तहा चटर्जी जी और मेरे फिल्म के जो जहाज हैं, जो इसका कैप्टन है, ऐसे शादाब कहाँ है? शादाब आइए आइए। राइटर प्रोडक्शन की तरफ से ये पहली फिल्म जरूर है, मंजिल अभी हमारी शुरू हुई है और आगे हम जो मीडिया के जो दोस्त हैं उनसे कहना चाहता हूँ कि हम दो तीन फिल्म और हमारी प्लान हुई है और हम इसका एंड के अंदर एक नई फिल्म अनाउंस करने जा रहे हैं जो अच्छे स्टार कास्ट के साथ में है। ये इससे बढ़िया स्टार कास्ट तो हो नहीं सकता, ये भी हमेशा हमारे साथ में है। और मैं सबसे पहले हमारी फिल्म की एक्ट्रेस सारा जी से कहूंगा कि कुछ फिल्म के बारे में अपनी कुछ शूट की कुछ बातें शॉर्ट्स के अंदर थोड़ी सी बताएं प्लीज। हाय एवरीवन, बरखा की सबसे खास बात यह है कि वो एक रियल स्टोरी है और जब एक सच्ची कहानी आपके सामने आती है तब आप कोशिश करते हैं कि उसमें जो इमोशंस हों वो भी बहुत रियल हों। शादाब जो भी स्क्रिप्ट मेरे पास लेकर आए थे और जितना खूबसूरत इसका म्यूजिक है, जब मैंने म्यूजिक सुना और जो उसकी स्टार कास्ट थी, जिस तरह के रोल्स हैं सब लोग बहुत ही आई थिंक दे आर वेरी परफेक्ट फॉर देयर रोल्स। और मैंने कैसा काम किया मैं खुद कुछ नहीं कह सकती, लेकिन एज एन एक्टर मुझे अपने हर सीन को बहुत सिंसेरिटी से करना पसंद है और वो ही मैंने किया। आई होप पीपल विल लाइक इट। थैंक यू। मीठी यादें जो हैं वो हिमाचल से जुड़ी हुई हैं। जब हम हिमाचल में गए थे आउटडोर शूट के लिए तो वहाँ पे बहुत ही ज़्यादा सर्दी थी और मुझे और सैरा को एक रोमांटिक गाना वहाँ पे शूट करना था। एंड सैरा, यू आर ऑलवेज वेरी ब्यूटीफुल। और मैं ठंड के कारण कांप रहा था। सो दैट इज़ अ वेरी स्वीट मेमोरी फ्रॉम माई एक्सपीरियंस। एंड शादा भाई, एंड थैंक यू फॉर द सॉन्ग्स, थैंक यू फॉर द फिल्म। शबाना जी, थैंक यू अगेन। हाँ, मीठी यादें ये भी हैं कि हमने आपके साथ काम किया है। हाँ संजय बिड़िया सर, आपके साथ काम किया है, आपके साथ जिम गए हैं। सो थैंक यू फॉर द अपॉर्चुनिटी एंड ब्रदर, नाइस वर्किंग विद यू टू। थैंक यू। मैं प्रियांशु भाई से कहूंगा कि प्लीज। नमस्कार, आप सबका यहाँ आने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया और आशा करता हूँ आप लोग जो ट्रेलर देखेंगे आपको बहुत पसंद आएगा। खट्टा मीठा जायकेदार पूरा ही सफर हमारा अनोखा रहा। बरखा का सारा के साथ काम करके बहुत अच्छा लगा। शादाब के साथ बहुत मजा आया। पहली बार एज अ फर्स्ट टाइम डायरेक्टर ही एस्पायर्स फॉर द मून एंड द स्टार्स एंड समटाइम्स ही मैनेजेस टू गेट देम। सो आई होप दिस फिल्म इज अबाउट हिम एंड यू नो डजंट जस्टिस। आई होप यू एंजॉय इट। थैंक यू। सही बात है भैया, शादाब जी ने अच्छा काम किया। पर कभी कोई ये प्रोड्यूसर के दिल से भी पूछे कि डायरेक्टर जब बहुत अच्छे काम करता है तो प्रोड्यूसर के दिल पे क्या गुजरती है। खैर, इसके बाद मैं खुद मेरे प्रिय दोस्त शादाब भाई से कहूंगा कि कुछ बातें बताएं फिल्म की।
फिलहाल आई नॉट से एनीथिंग, मैं सिर्फ चाहूंगा कि जल्द से जल्द भट्ट साहब ओके करें और हम ये ट्रेलर शुरू करें। हेलो, मैं महेश भैया से कहूंगा कि प्लीज आए स्टार का सब यही रहे तो फिर ट्रेलर की शुरुआत की मजा आएगी। जब भी मैं किसी को अपने सफर की शुरुआत करते हुए देखता हूँ तो वो दिन याद आ जाते हैं जब लड़ते हुए कांपते हुए पैरों से हमने अपना सफर शुरू किया था। और मेरा ये यकीन है कि अगर वो जैसा शख्स यहाँ तक पहुँच सकता है तो यकीनन आप भी पहुँचेंगे हमारे सदस्य के अलावा। बस ये उतने इश्क नहीं आसान, बस इतना समझ लीजिए एक आग का दरिया और डूब के जाना है। यहाँ पर एक लंबा सफर है, लोग डराएंगे, कॉन्फिडेंस कभी हिलेगा, मगर अगर आपने हिम्मत नहीं हारी और आपने अपना सफर जो है जारी रखा तो यकीनन आप वहां पहुंचेंगे जहां आप पहुंचना चाहते हैं। और सादा जो है हमारी अपनी है, जब जाती है और कहती है कि बस चलना है तो हमारी क्या मजाल के ना बोले। और अब मैंने देख लिया है ये प्रोमो इनका बहुत अच्छा है और मुझे लगता है कि अगर इसको ठीक ठाक रिलीज आपने दे दी तो ये अपना एक इम्पैक्ट छोड़ेगी यकीनन। शुक्रिया, ऑल द बेस्ट टू यू, थैंक यू।